छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों और कांग्रेस संगठन की मजबूती से बहुत ज़्यादा डर चुकी है और इस डर के कारण उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। नेता प्रतिपक्ष भी बदलने के लिए आज बैठक बुलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर इनके केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा बचा ही नहीं है, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष का जो चयन का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। सन 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चयन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी की गई थी। तत्कालीन प्रभारी को टेबल के पीछे, श्री नरेंद्र मोदी प्रभारी थे, उन्हें टेबल के पीछे छुप के जान बचानी पड़ी थी। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आज भी नेता प्रतिपक्ष के चयन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, शांतिपूर्ण उनके नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं कहीं छत्तीसगढ़ की भी बदनामी होती है। देखिए, हमने 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि छत्तीसगढ़ को हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएंगे और हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस दिशा में लगातार प्रयास किया। सरकार के द्वारा एक राजनीतिक मामलों की कमेटी बनाई गई विधानसभा की, जिसमें यह निर्णय लिया गया, यह कमेटी जाके अध्ययन करेगी किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। दूसरा, इस कमेटी के द्वारा यह भी देखा जाना था कि जो पाँचवीं अनुसूची की पंचायतें हैं उनकी किस प्रकार से सहमति से हम छत्तीसगढ़ को शराबबंदी को ले जाएं। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी से बयानबाजी करती है लेकिन इस दिशा में कभी सहयोग नहीं करती। आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम ने अपने विधायक का नाम नहीं दिया इस कमेटी के लिए। शराबबंदी के लिए बयानबाजी करते हैं लेकिन हम सहने सहने छत्तीसगढ़ को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, लोगों को शराब की खराबी के बारे में, शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे शराबबंदी की जाएगी ताकि नोटबंदी के समान शराबबंदी का दुष्प्रभाव ना हो। भाजपा बयानबाजी करने के बजाय इसमें सहयोग करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, इसीलिए वो असहयोग की भावना रखती है। देश की जनता महंगाई से परेशान है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है और यह दुर्भाग्यजनक है कि आज देश में जो महंगाई है उसके लिए जवाबदेह केंद्र की मोदी सरकार है। मोदी सरकार की मुनाफाखोर वाली नीति, अदूरदर्शीपूर्ण लगाया गया टैक्स, इसके कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार 35 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल देने का वादा करने वाली मोदी सरकार आज 35 रुपये लीटर से अधिक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूल रही है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए, जो 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था 1150 रुपये मिल रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। महंगाई पे चर्चा कार्यक्रम में भी हम इस विषय को उठाएंगे, इसके अलावा दिल्ली में कार्यक्रम किया जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश की जनता के जले में नमक छिड़क रही है, महंगाई से ही इनकार कर रही है। जिस महंगाई को आज जनता रोज भोग रही है, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निगाह में आज महंगाई दिख नहीं रही है। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है।